गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर 8 प्रोनाउंस। ओके चिल्ड्रन, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 इज अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द कन्वर्सेशन बिटवीन संजू एंड अंजू। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ओके, तो ये सेंटेंसेस जो हैं संजू एंड अंजू के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, बात हो रही है, बातचीत हो रही है, जैसे आप लोग दो लोग मिलके क्लास में बात करते हैं। ओके, तो इन सेंटेंसेस में हमको प्रोनाउन वर्ड्स पहचान कर उसके नीचे क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। ओके चिल्ड्रन, फर्स्टली चिल्ड्रन, व्हाट इज प्रोनाउंस? प्रोनाउंस क्या होता है? ओके, रिप्लाई मी। वर्ड्स दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। मैंने आप लोगों को बताया था ना, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे पिछले वीडियो में। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आज फिर से मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मैंने कहा राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट। जा कौन रहा है बाजार? राम जा रहा है। ओके, राम जो हमारा क्या है इन दिस सेंटेंस? नाउन। ओके, तो राम की जगह पर हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं जो सेंस वही हो? ओके, सिर्फ नाउन की जगह पर प्रोनाउन वर्ड आ जाए। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राम बाजार जा रहा है, इसकी जगह पर हम कह सकते हैं कि वह बाजार जा रहा है। हमने राम को हटाकर हमने शब्द यूज किया, वर्ड यूज किया, वो किया, वह। वह के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज होगा? ही होगा। ओके चिल्ड्रन, तो हम कह सकते हैं कि ही इज गोइंग टू मार्केट। ओके, मतलब तो वही है ना, राम ही जा रहा है ना। लेकिन हमने पहले सेंटेंस में क्या कहा? हमने पहले सेंटेंस में कहा राम बाजार जा रहा है। ओके, और सेकंड सेंटेंस में हमने क्या कहा? ही इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। राम की जगह पर हमने कौन सा वर्ड कर दिया? ही कर दिया। ओके चिल्ड्रन, तो ये हमारा हो गया नाउन से प्रोनाउन चेंज कर दिया। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे? ऐसे वर्ड को हम कहेंगे प्रोनाउंस। ओके चिल्ड्रन, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा राम और श्याम खेल रहे हैं। ओके, तो खेल रहे हैं जैसे आप लोग खेलते हैं, मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ? राम एंड श्याम दो लोग हैं ना, राम और श्याम हैं, दोनों खेल रहे हैं। तो इस सेंटेंस में जो है नाउन क्या होगा? इस सेंटेंस में हमारा नाउन होगा राम और श्याम, क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है। अब इसके जगह पर हम लोग ऐसा वर्ड रखेंगे जो हमारा प्रोनाउन वर्ड होगा, जो वर्ड यूज होगा वो हमारा प्रोनाउन वर्ड यूज कहलाएगा। ओके, जैसे हम कह रहे हैं राम और श्याम खेल रहे हैं, इसकी जगह पर हम ये कह सकते हैं कि वे खेल रहे हैं। वे, मैंने राम और श्याम की जगह पर मैंने यूज किया वे खेल रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, तो वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। ओके, तो यहाँ पर हमने राम एंड श्याम इज प्लेइंग, और दूसरे वर्ड में हमने क्या यूज किया? दे आर प्लेइंग, यानी राम एंड श्याम नाउन को हटा के हमने कौन सा वर्ड यूज किया? हमने यूज किया दे। ओके चिल्ड्रन, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रही है? संजू, हाय अंजू, कैन यू कम टू माय हाउस टू प्ले विद मी? हाय अंजू कह रही है, संजू कह रही है अंजू से, हाय अंजू, कैन यू कम टू माय हाउस, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो टू प्ले विद मी, मेरे साथ खेलने के लिए? ओके चिल्ड्रन, तो ये सेंटेंस जो हमारा है इसमें प्रोनाउन वर्ड हमारा क्या होगा? इसमें जो है कैन यू कम टू माई हाउस। ओके, इसमें आप लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हाय अंजू, अंजू तो हमारा नाउन है। ओके, कैन यू कम टू माई हाउस, अब वो कह रही है सामने, मतलब अपनी ही फ्रेंड से कह रही है कैन यू कम, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो मेरे साथ खेलने के लिए? तो संजू जो है वो बात किससे कर रही है? संजू बात कर रही है अंजू से। संजू किससे बात कर रही है? अपनी फ्रेंड अंजू से। ओके चिल्ड्रन, तो हमने जैसे आपने कहा कैन यू कम, कैन यू कम, कैन यू प्ले
with me, okay? तो यहाँ पर सामने वाला जो यू है वो कौन है, वो है हमारी अंजू, okay? तो यहाँ पर अंजू वर्ड यूज ना करके यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज कर दिया गया है, यू, नाउन की जगह पर क्या हो गया है, यहाँ पर प्रोनाउन हो गया है, okay? तो ये वर्ड हमारा क्या है, प्रोनाउन है, सो वी विल अंडरलाइन इट, ओके चिल्ड्रन। प्ले विद मी, मेरे साथ खेलने के लिए, ओके तो ये वर्ड कह कौन रहा है, ये वर्ड कह रही है संजू, ध्यान से समझिएगा, ये वर्ड कह कौन रहा है, ये वर्ड कह रही है संजू कि मेरे साथ खेलने के लिए, तो वो अपना नाम तो नहीं ले रही ना कि मैं कौन हूँ, हाँ मैं संजू हूँ संजू के साथ खेलने के लिए, वो ये बोल रही है ना कि मेरे साथ खेलने के लिए, तो मेरे मतलब मैं अपना नाम नहीं ले रही हूँ, यहाँ पर संजू अपना नाम नहीं ले रही है, उसकी जगह पर क्या यूज हो रहा है, नाउन की जगह पर मी, तो ये वर्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट अब देखिए अंजू क्या कह रही है, अंजू, मदर वांट्स मी टू डू माय होमवर्क, ओके मदर क्या चाहती हैं कि मैं अपना होमवर्क कर लूं, ओके चिल्ड्रन। तो सबसे पहले जो है वांट्स मी वर्ड जो हमारा है प्रोनाउन वर्ड है, मी वर्ड हमारा प्रोनाउन वर्ड क्यों है, क्योंकि अंजू यहाँ पर नेम की जगह पर, अंजू की नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज हो रहा है मी, ये हमारा प्रोनाउन वर्ड है, ओके। नेक्स्ट सी विल लेट मी प्ले ओनली आफ्टर आई फिनिश, मतलब वो मुझे कब खेलने देंगी, जब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगी, उसके बाद वो मुझे क्या करने देंगी, वो मुझे खेलने देंगी, ओके तो यहाँ पर शी विल लेट मी, यहाँ पर जो है शी वर्ड जो हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ओके मदर का नेम नहीं दिया गया है, ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट आई फिनिश, जब मैं फिनिश कर लूंगी अपना वर्क फिनिश कर लूंगी, तो वहां पर वो अंजू अपना नाम नहीं बता रही है, यहाँ पर नाउन की जगह पर अदर वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए ये आई भी जो हमारा है क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट अब संजू अंजू से क्या कह रही है, फाइन ठीक है, आई विल प्ले विद माई डॉग टिल यू कम, ओके फाइन अच्छा है, आई विल प्ले विद माई डॉग, मैं तब तक अपने डॉग के साथ खेलूंगी जब तक कि तुम आ नहीं जाती हो, ओके इट कैन रन एंड कैच माई बॉल, ठीक है ये दौड़ सकता है और मेरी बॉल को क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। तो सबसे पहले इन दोनों सेंटेंस में हम देखेंगे कि प्रोनाउन वर्ड हमारा कौन सा है, ओके चिल्ड्रन। आई विल प्ले, आई वर्ड हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ओके संजू यहाँ पर संजू यूज नहीं हुआ है, नाउन वर्ड यूज नहीं हुआ, संजू की जगह पर क्या हुआ है, आई हुआ है, ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट यू यहाँ पर कौन है, यू यहाँ पर है संजू, ओके तो संजू की जगह पर सॉरी अंजू है, अंजू की जगह पर यहाँ पर हुआ है यू, तो ये भी हमारा प्रोनाउन वर्ड है, ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट इट कैन रन, इट वर्ड जो हमारा है ये भी हमारा प्रोनाउन है, ओके क्योंकि इसमें डॉग का नेम नहीं दिया गया है, ओके चिल्ड्रन। यू कैन ज्वाइन अस आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क, तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो, मतलब उसके डॉग और जो है संजू को अंजू क्या कर सकती है, ज्वाइन कर सकती है, कब, जब उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, ओके चिल्ड्रन। तो इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है प्रोनाउन, यू कैन ज्वाइन अस, यू कौन है, अंजू है, ओके अंजू की जगह पर यहाँ पर यूज हो गया है यू, अस यहाँ पर कौन है चिल्ड्रन, अस मिस हमें ज्वाइन कर सकती हो, कौन कौन खेल रहा था वहां पर संजू खेल रही थी और उसके साथ डॉग खेल रहा था, ओके तो संजू और डॉग के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ अस, ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क, ओके यहाँ पर यू वर्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि नाउन की जगह पर यूज हुआ है। नेक्स्ट अंजू, श्योर सी यू लेटर, वी विल हैव फन, इन दिस सेंटेंस व्हाट इज प्रोनाउन वर्ड, यू एंड वी, ओके वी विल हैव फन, हम मस्ती करेंगे, तो वी हमारा प्लूरल
जो है वो प्लूरल प्रोनाउंस है। ओके, तो इस तरह से हमारे क्या हो गए, यू मी मी शी आई आई यू इट यू अस यू यू वी ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन वर्ड्स। ओके चिल्ड्रन, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।